नमस्कार बच्चों, मैं विकास सहल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AMS Academy पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सुमित उल्यान सर ने आपको बताया और अभी आपका एक फंटेस्टिक और धमाकेदार सेशन रहा मैथमेटिक्स के अंदर। सुमित उल्यान सर जो मतलब क्वेश्चनों को बिल्कुल चूरमा बना देते हैं, तो आप सब जो है हमारे साथ अब जुड़िएगा। सब बच्चे जो है जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को। आपको मैं 2 मिनट देता हूं। आगे सर जी, ठीक है पुनीत, धन्यवाद सबको, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, ससरियकाल, आदाब, सबका हार्दिक स्वागत। सब बच्चे आ जाइए, एनर्जेटिक हो जाइए बच्चों। राधे राधे गुरु जी, प्रवीण ढिल्लो साहब, राधे राधे भाई, जल्दी से शेयर कर दो भैया, वही 20+ बच्चों को लेके आओ जल्दी से और फिर करेंगे हम आज का सेशन। यस, करिए जल्दी से, कमेंट करो भाई, इतना तो बनता ही है। अरे भाई इतना तो कर ही सकते हो, एक एक कमेंट ठोक दो। सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, आजिए क्लास के अंदर जल्दी से, इतने जल्दी से बंक मत मारा करो, ठीक है ना। हम यहीं पर मौजूद रहते हैं भाई, एक सर जो है क्लास को पूरा करता है, सेकंड वेट में रहता है भैया, ठीक है आपके लिए, क्योंकि अब की बार एयर फोर्स की सरकार मेहनत करेंगे। चलिए आज के सेशन को अब शुरू करेंगे। मैक्सिमम शेयर कर दो भैया, मैक्सिमम शेयर कर दो जल्दी से, एक एक बच्चा एक एक को शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से, ठीक है भैया, ओके, धन्यवाद। नीरज पांचाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सैल्यूट सबको, सभी योद्धाओं को, सभी एयरफोर्स के नौजवानों को मेरा जो है गुड मॉर्निंग। चैल सर की जय हो, आप सब लोगों की जय हो पुनीत भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप मेहनत करते हो, जय आपकी होगी और आपका जय उस दिन होगा जिस दिन आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रहेगी बच्चों, इसलिए हम जो है जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, लगभग 25+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आपके बिल्कुल यहां पर मौजूद है। सब बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। पूरे 5 करोड़ रुपए का सवाल, जो जीतेगा उसको मिलेगा इनाम। सबसे पहला क्वेश्चन, गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया भाई। 4 ऑप्शन है भैया, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो जल्दी से बता दीजिए मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कर दें। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आइए जल्दी से, राधे राधे, जय श्री राम भाई, जल्दी से, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब जो है आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रवीण ढिल्लो, राधे राधे, बार बार आप सबको जो है मतलब है भाई गुड मॉर्निंग, जल्दी से अब जो है बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र, ढिल्लो साहब, महाराष्ट्र गलत हो जाएगा, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और भगत सिंह कोश्यारी क्या है भैया महाराष्ट्र के, ये हैं हमारे गवर्नर, गवर्नर 36, ये क्या कह रहे हैं भाई, सी, ओके, सी सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो गलत है भैया। तो इसका पेपर में देखना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बच्चों। तो आप सबको जो है मेहनत करना है, किसी को भी मतलब मेहनत, मेहनत रंग लेकर के आएगी बच्चों, मेहनत रंग लेकर के आएगी, जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, मतलब बिहार। तो बिहार के अंदर जो है गांधी सेतु शुरू किया गया भैया, गंगा नदी पे, गंगा रिवर पर जो है गांधी सेतु जो है ऐप, गांधी सेतु जो है शुरू किया गया है। जैसे आप सब जानते हैं कोसी, कोसी जो सेतु है वो भी बिहार के अंदर, तो कोसी को, जो कोसी नदी है उसी को क्या कहा जाता है भैया, सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। मतलब कोसी नदी क्या लेकर के आती है बिहार के अंदर, वो जो है बाढ़ लेकर के आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रहेगा गौतम साहब हमारा ए आंसर रहेगा, ए सर जी, उमंग पवार, ए उमंग, वेरी गुड भाई, और उमंग सबको शेयर करो भाई।
चलिए भैया टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे, बड़ा लाजवाब फैंटास्टिक एकदम से मस्त क्वेश्चन हम यहां पर लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। जल्दी से कमेंट करिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस एयरफोर्स या फिर नेवी के अंदर आपका एक क्वेश्चन डेज से संबंधित पूछा ही पूछा जाएगा। टीम एयरफोर्स जपनाम गुरुदेव, जपनाम भाई जपनाम, बिहार सीएम नीतीश कुमार ढिल्लो साहब, वेरी गुड। अब थोड़े दिनों में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर प्रवीण ढिल्लो होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप सब इतने एक्टिव हैं, इतने इफेक्टिव हैं कि एयरफोर्स में अब की बार लग के रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो भाई ये कह रहे वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड किया जाता है भैया, कब किया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ डे वन्य जीव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? ये ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च। जल्दी से जवाब करिए, जोश में आ जाइए भाई, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कर दो भैया और वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। देखो एनर्जी, एनर्जी तभी आएगी जब आप क्या करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे भैया। तो ये आपका बीइंग ए स्टूडेंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर द वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जल्दी से करिए भाई। 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, ये नितेश सैनी कह रहे हैं सर 3 मार्च को। चलिए सैनी साहब आप ये क्वेश्चन जीत चुके हैं, उमंग ने भी सही जवाब किया है सी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 मार्च। याद कर लेना मैं डेज और आपको कैपिटल या करेंसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता भैया। तो 3 मार्च इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम थर्ड क्वेश्चन पर अब मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पर जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एयरफोर्स में आने वाला क्वेश्चन है ये, देखना। निम्नलिखित में से किसने परवासी रोजगार ऐप, भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में फंसेगा, देख लेना सभी बच्चे जो है गौर से देख लें, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किसने किया? सोनू सूद ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ऋषभ पंत ने या हर्षवर्धन ने? ये ऑप्शन आपके सामने बच्चों, ऑप्शन 4 आपके सामने है, एनी वन इज द राइट एंड 3 आर द रॉन्ग। शेयर कर दो ठोक के भाई, यहां पर देखना कल मानसून आ जाएगा हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। आज आज और थोड़ी तकलीफ होगी भैया, गर्म हवाएं चलेंगी, लेकिन कल से देखना कि भाई जमाजम बारिश होगी भैया, ठीक है ना। और बारिश हमारी तो उस दिन होगी जिस दिन हमारा एयरफोर्स के अंदर क्या होगा बच्चों, सिलेक्शन होगा। विकास गौतम का ये आंसर आया है, विकास गौतम मेरे को लगता है कि आप वास्तव में मेहनती हैं और बिल्कुल सिलेक्शन के करीब है भैया। राइट आंसर गौतम साहब, वेरी गुड भाई, बिल्कुल जल्दी से, वेरी गुड सभी ने। राहुल मलिक ए, गौतम साहब ए, वेरी गुड भाई। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब किया है, और इसका आंसर रहेगा बच्चों सोनू सूद। क्या रहेगा? सोनू सूद रहेगा, वेरी गुड, एकदम से लाजवाब आपका आंसर आया भैया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हमारे पास 25 प्लस क्वेश्चन है, इसलिए हमें स्पीड को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। सभी बच्चे जो हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। प्रवीण ढिल्लो, वेरी गुड भाई, जल्दी से आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भैया। मोहित अहलावत ए, अब सुनो भैया, ऑस्ट्रेलिया में, नोट कर लो, कॉपी पेन अपने पास रखो और साथ के साथ लिखते रहो, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? Who was appointed the new High Commissioner of India to Australia? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, ये है भैया मनन वोहरा, मनप्रीत वोहरा, रीवा गांगुली दास, अभिनव कपूर। क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा बच्चों, क्या आंसर रहेगा जल्दी से बताइए, क्या आंसर रहेगा, आंसर कर दो जल्दी से, क्या आंसर रहेगा भाई। शेयर भी कर दो, वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम, जल्दी से शेयर कर दीजिए और आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर,
बताओ जल्दी से क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर बताइए मेरे को क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई आंसर? तो इसका आंसर रहेगा क्या रहेगा, बी, बी अमन धनखड़ बी, वेरी गुड, बी ऑप्शन जिसने टिक किया है वो बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा बी आंसर रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, बी। कहने का मतलब मनप्रीत वोहरा, मनप्रीत वोहरा इज द राइट आंसर। फोर्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मनप्रीत वोहरा रहेगा, मनप्रीत वोहरा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ स्टूडियो के अंदर आपके अपने जो है जिगरी और जो है मतलब रीजनिंग के जादूगर हमारे दिनेश सर आ चुके हैं, और आज का मतलब महा मैराथन सर करेंगे। सभी बच्चे सर के साथ जुड़िए 10:40 पर, आपका हार्दिक स्वागत करेंगे हमारे बड़े ही अजीज और जो है बड़े ही मतलब मेहनती दिनेश सर। तो सब बच्चे जो है 10:40 तक जो खाना पीना है घर का काम करके जो रेडी हो जाएंगे। तो भाई शेयर कर दो, नमस्ते गुरुजी, अमन कुमार लेट आए, नमस्ते तो आपके सही है, 4 क्वेश्चन निकल गए आपके, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन निकल गए भाई। चलो कोई बात नहीं अमन, अच्छा है, वीडियो को बाद में देख लेना भैया, ठीक है, लेकिन अब यहां से कंटिन्यू हो जाओ हमारे साथ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, भारत में हर साल डैश को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन, यहां पर ऑप्शन है हमारे पास 4, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख करके ले लो, एक क्वेश्चन आपको मिले ही मिलेगा। तो यहां पर फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो 21 जुलाई, दूसरा है भैया 22 जुलाई, थर्ड है 23 जुलाई, और फोर्थ है 24 जुलाई। तो व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर भैया, जल्दी से कमेंट करो भाई। 21 जुलाई प्रवीण ढिल्लो गलत, नितेश सैनी 23 जुलाई, नितेश ठीक है, वेरी गुड, नितेश ने सही जवाब किया है एकदम, नितेश सैनी बिल्कुल सही है भाई। रोहित अलावत 21 जुलाई नहीं होगा, 21 जुलाई नहीं होगा, ना 24 जुलाई होगा, ना 22 जुलाई, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 23 जुलाई होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 23 जुलाई होगा, उमंग सी, ललित यादव बी, बी नहीं होगा यादव साहब, 23 क्या होगा भैया, जुलाई होगा। सर इसको क्लोज करो सर एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, ध्यान से सुनिए। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू फॉलो 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, फर्स्ट वन इज नरेंद्र मोदी, सेकेंड वन इज विराट कोहली, थर्ड वन इज शाहरुख खान, फोर्थ वन इज सचिन तेंदुलकर। आई होप सो दैट यू हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से करो भाई कमेंट, भाई तूफान ला दो भैया, आंसर आने चाहिए। ये बताओ बटन दबाने में क्या कोई मतलब पावर लगती है, अरे भाई टाइप तो कर ही सकते हो। राहुल मलिक बी, मलिक साहब वेरी गुड, विकास गौतम कह रहे बी, सबने लगा दिया आपकी बार बी, क्योंकि आप देखते हो क्रिकेट और क्रिकेट देखते हैं, तो इसलिए क्रिकेट देखने वालों का क्वेश्चन क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, विराट कोहली, विराट कोहली, जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल लाजवाब, आपका फैंटास्टिक जो है आंसर आया है, और इसका आंसर रहेगा विराट कोहली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुंह करते हैं, और 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेकर के आता हूं। ये कॉपी में अगर जगह नहीं है तो दूसरी कॉपी उठा लो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि आगामी परीक्षा जो आपकी जुलाई के अंदर 12 जुलाई से शुरू होगी, उसमें आपको एक बुक्स का क्वेश्चन मिलेगा, और वो बुक्स का क्वेश्चन मैं यहां पर मिश्रण करके लेके आया हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे सभी योद्धा, मेरे सभी वॉरियर्स क्या करते हैं, लड़ते हैं, और जो है लड़ करके फाइट करते हैं और जीतेंगे, अब की बार एयरफोर्स के पेपर को क्रैक करके जीतेंगे अब की बार।
और भैया मतलब वो दिन आने वाला है बड़ा जल्दी से, जब हमको भी मौका मिलेगा लड्डू खाने का और दो दिन छुट्टी लगाने का, क्योंकि आपकी खुशी में दो दिन छुट्टी लूंगा मैं, पावर हाउस पे बैठ करके दो दिन लड्डू ही लड्डू खाऊंगा भैया, कोई कक्षा नहीं लूंगा मैं फिर, क्योंकि खुशी इतनी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। देखो भैया द एंड गेम, जो बच्चा AMS एकेडमी के प्रांगण में मेरे पास पढ़ने आया, मैंने उसको ये क्वेश्चन जो है उसके नोटबुक में लिखवाया था भैया, द एंड गेम, और मैंने ट्रिक भी बताया था, जिसका हुसन जिद्दी होगा, बच्चों क्या कहा था, जिसका हुसन जिद्दी होगा वही क्या करेगा, गेम को एंड करेगा, मतलब गेम को एंड कौन करेगा, जिसका हुसन जिद्दी होगा, मतलब सी आंसर क्या रहेगा, राइट रहेगा सी आंसर, ज्यादातर बच्चों ने सी, अमन यादव सी, लेकिन जिसने बी किया ना साहिल शर्मा, ये थोड़े आगे बढ़ जाओ, सी पे आ जाओ, बी पे नहीं भाई, फौजी सी, वेरी गुड भाई, अमन यादव सी, वेरी गुड, चलिए भाई तो हुसैन जिद्दी आएगा भैया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और सेवंथ क्वेश्चन हमारा हुआ, अब एट्थ क्वेश्चन पे, अब एट्थ क्वेश्चन पे हम जो है लगाते हैं, और जल्दी से बताइए, CRPF सेंट्रल रैपिड पुलिस फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला भैया, हु गोट द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, चार ऑप्शन है, AP महेश्वरी, कुलदीप सिंह, अरुण कुमार सिंह, या नन ऑफ दीज, कौन सा आंसर रहेगा बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, एट्थ का क्या आंसर रहेगा भैया, करो भाई, राहुल मलिक बी, कुलदीप सिंह, अंकित मोहन ए, ए रोंग है, सी रोंग है, राहुल मलिक बी, नितेश सैने बी, अंकित मोहन ए गलत है, सी गलत है, और जिसने बी ऑप्शन दिया है ना वो बिल्कुल सही है भैया, और इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, कुलदीप सिंह रहेगा भैया, क्या रहेगा, कुलदीप सिंह रहेगा, कुलदीप सिंह, जिसने आंसर कुलदीप सिंह किया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुलदीप सिंह, तो कुलदीप सिंह इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है भाई, मैक्सिमम शेयर कर दो भैया, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें भाई। देखो भैया 2021 में खेलो इंडिया यूथ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको फंसने वाला है, और हमारा बिल्कुल कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। तो देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, कौन सा राज्य करेगा बच्चों, अपना प्यारा स्टेट हरियाणा, अपना प्यारा स्टेट हरियाणा, डी राहुल मलिक डी, वेरी गुड भाई, डी ऑप्शन जिसने किया है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल एकदम से सही आंसर किया है। तो भाई ये जो है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये करेगा हरियाणा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, हरियाणा होगा, हरियाणा, तो बच्चों याद करो हरियाणा को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और दसवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है भैया, लाजवाब क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी, तो बच्चों किसको बनाया गया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अमित पंगाल, मीराबाई चानू, मेरी कोम, या वाई चांग भुटिया, भाई जल्दी से शेयर कर दो भैया, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है आप वीडियो को जरूर लाइक करें भैया, ठीक है ना। देखो भाई हम भी मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, देखना कि इतना बेहतरीन जो है हम करके दिखाएंगे, जो कुछ आप सोचते हैं उससे भी आगे जो है हम एफर्ट्स लगाएंगे भैया, ठीक है ना। राहुल देसवाल ए, राहुल देसवाल ए, नहीं भाई अमित पंगाल नहीं आएगा भैया, ए नहीं आएगा, अंकित मोहन सी, वेरी गुड भाई, सी ऑप्शन जिसने लगाया है उसका आंसर एकदम से बिल्कुल सही है,
कहने का मतलब मेरी कौम, कौन भैया? मेरी कौम को, मेरी कौम को जो है यहां पर चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया भैया। मेरी कॉम अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल बुक रिटन किसने किया भैया? ईशा सिंह। नमस्ते गुरुजी, नमस्कार प्रणाम भैया। तो कहने का मतलब मेरी कॉम आएगा और अनब्रेकेबल को याद रखना, ठीक है ना। लेट आए कोई बात नहीं, जल्दी से जो है कमेंट कर दो। रातते ही पांच बच्चों को जोड़ दिया करो, एक व्यक्ति दो दो तीन तीन को जोड़ेगा तो देखो फिर अपना भी मन लगेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो भाई अपने जो है ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उनको फायदा होगा। सीआरपीएफ रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। सीआरपीएफ स्थापना दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। मैं ये वीडियो का सारा क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी ओरिएंटेड लेके आया हूं, एक दो क्वेश्चन आपको इस वीडियो से फंसने वाला है। तो भाई जल्दी से कमेंट करो भैया, कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या रहेगा भैया, राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करो। आप सबको मालूम है 1939 में सीआरपीएफ को डेवलप या क्रिएट किया गया था, लेकिन डेट कौन सा था भैया? सी 27, 26 नहीं आएगा, एक और आगे बढ़ो भैया, 27 आएगा। ईशा सिंह डी, प्रवीण ढिल्लो 31, 31 क्या आएगा भाई? 31 ऑप्शन में ही नहीं है कुछ भी, 31 क्या आएगा? 31 तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा ढिल्लो साहब, 31 नहीं भाई। अंकित मोहन डी, जिसने डी आंसर किया है वो बिल्कुल सही किया, कहने का मतलब 27 जुलाई, 1939, ये वो 39 है जिसके अंदर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर चेयरमैन बने थे भैया। और 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट जो इलेक्शन लड़े थे वो कौन लड़े थे? पट्टाभि सीतारमैया, और पट्टाभि सीतारमैया की हार हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। और पट्टाभि सीतारमैया ने बुक रिटन किया था कांग्रेस का इतिहास, और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, कौन भैया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक को याद कर लेना। तो 27 जुलाई आपका आंसर रहेगा भैया इसका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन पे। अब 12th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है भैया। महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार दिलाने की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? इन द लिस्ट ऑफ वुमेन हु हैव फुल इक्वल राइट व्हाट प्लेस डज इंडिया ऑक्यूपाई? कहने का मतलब कौन सा रैंक आया भैया? 123वां या जो है 110वां या 85th या भाई आपका 90वां? आप सब जानते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे बताया था? वाशिंगटन DC के अंदर। और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या बताया था बच्चों? IBRD। और अगर जॉइंटली अगर मैं बात करूं तो IBRD और IDA को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और IDA को वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, और IBRD का फुल फॉर्म क्या था भैया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और अब अगर मैं बात करूं तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, तो मैंने कहा था इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे? वाशिंगटन DC। और एट प्रेजेंट 190 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ IMF। तो अब सुनिए ध्यान से, कौन सा आएगा भाई, कौन सा आंसर आएगा? रोहित अहलावत, सी रोंग है भैया। तो वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट जारी करता है तो इसका आएगा भैया 123। 123 कहने का मतलब हमारा कौन सा आंसर रहेगा, हमारा कौन सा आंसर रहेगा बच्चों? हमारा आंसर रहेगा ये 123 फर्स्ट। कहने का मतलब हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 123, 123 वहां आएगा भैया, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट रहेगा। तो आंखें खोल करके देखते रहिए, सुनते रहिए भैया, इतने जबरदस्त क्वेश्चनों का कलेक्शन है कि आपको पढ़ करके बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन भी होगी और आपके पेपर में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब देखो भाई 13वां क्वेश्चन भैया। भारतीय रेलवे दुनिया के पहले विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? जल्दी से, चार ऑप्शन, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा।
जल्दी से कमेंट कर दो क्या आंसर होगा भैया। चार ऑप्शन आपके सामने है, सर है स्क्रीन ब्लर है, सर स्क्रीन ब्लर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम सर, टेक्निकल टीम को मैंने बोल दिया है वो इसको सोल आउट कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। स्क्रीन पे अगर ऐसा कुछ है तो भाई इसको अभी सोल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी इज देयर एनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा अभी। चलो भाई करिए जल्दी से कमेंट। ओ सी, सी किस किसने किया भाई, सी ऑप्शन किस किसने किया, कैसे जानकारी हुई आप लोगों को ये बताओ। अब सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हरियाणा, ये आया आपकी बार, कहने का मतलब ईसा सिंह हरियाणा। नो सर सही है स्क्रीन, प्रवीण ढिल्लो वेरी गुड भाई। इस भाई को पता नहीं है बीच में जो है नींद आ गई होगी और सपने में पता चला कि स्क्रीन में कुछ गड़बड़ है, स्क्रीन से भागोगे तो गड़बड़ होगी, स्क्रीन के सामने बैठ जाओ तुम। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, सभी योद्धा हो तुम, लड़ करके जीतोगे। हरियाणा कहने का मतलब हरियाणा, तो भाई हरियाणा और यूपी के बीच में जो है ये जो गैप है उसको ये जोड़ने का काम करेगा भैया, तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम 14th क्वेश्चन पर अब मुंह करते हैं, और अब इसको देखिए भाई, जबरदस्त एक क्वेश्चन आपको यहां से फंसने वाला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब किस राज्य ने जीता, विच स्टेट वोन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स टाइटल। भाई जल्दी से कमेंट कर दो, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, लद्दाख हरियाणा उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर, क्या राइट आंसर रहेगा बच्चों, क्या राइट आंसर रहेगा जल्दी से बता दीजिए, क्या राइट आंसर रहेगा। साहिल 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 सैनी डी, राहुल देसवाल डी, वेरी गुड भाई, जिसने डी आंसर किया है वो बिल्कुल एकदम से सही किया है, और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। और आप सबको मैंने पहले एक वीडियो करवाई थी उसमें बताया था कि ये खेल का आयोजन कहां हुआ था, गुलमर्ग में हुआ था, कहां पे हुआ था, गुलमर्ग में हुआ था भैया, लेकिन भाई जो जम्मू कश्मीर है उसने क्या जीता भैया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब जीता, गलती नहीं करनी है, डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा भैया, डी। जल्दी से शेयर कर दो भाई, एक एक शेयर ठोक दो जल्दी से, अरे 50 तक एक बार कर दो करिश्मा, 50 तो लगवा दो एक बार, करो भाई जल्दी से। देखो भैया क्वेश्चन देखो, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट पुरस्कार जीता भैया, विच फुटबॉलर हैज वोन द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड। चार ऑप्शन है, जेमी वर्डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रहीम स्टर्लिंग या डेनी इंगस, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे भैया, एक ऑप्शन सही है तीन गलत है, जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा भाई, जल्दी से कमेंट करिए। बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं आएगा, बी शायद ईसा सिंह, बी शायद, शायद में गलती है, फिर शायद में गलती है, राहुल देसवाल बी, बी नहीं होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये फर्स्ट होगा जेमी वर्डी, जेमी वर्डी इसका राइट आंसर होगा, तो भाई हमारा जो इसका आंसर होगा भैया वो क्या होगा, जेमी वर्डी, जेमी वर्डी राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए भाई जल्दी से हम 16th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और 16वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं बच्चों। हाल ही में किस राज्य है सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द बाई कौशल्या मातृत्व स्कीम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब, जल्दी से आंसर करो, एक कोई ऑप्शन ठीक है, जल्दी से आंसर करो भाई, हमारे 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी कमेंट करो भाई, मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूं। यूपी, ऐसे गलती करते रहे ना पेपर निकल जाएगा हमारा, पेपर हाथ से निकल जाएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है, मैं इसीलिए तो आपके सामने हूं कि भाई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिले तो आप उसको ठीक करें, इसीलिए तो हम और आप यहां पर लाइव आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, नहीं तो कोई जो है समस्या है ही नहीं। ये भाई बी 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 कह रहे हैं ज्यादातर बच्चे, भाई गलती कर रहे हो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा,
छत्तीसगढ़ होगा। इसका मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कहा भैया, यदि कोई महिला दूसरी बच्ची को जन्म देती है तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, फाइनेंस रूप से हेल्प करेगी और 5,000 रुपए जो है उसको भाई आर्थिक मदद करेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा, ना कि यूपी भैया। चलो 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये क्या है भैया, कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला केवल 7वां गेंदबाज बन गया है। तो जेम्स एडरसन, जसप्रीत बुमराह, स्टुअर्ट ब्राड या डेल स्टेन, यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अब कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को देखता हूं आप क्या आंसर करते हैं। ईशा सिंह, बच्चों को गुमराह मत करें, ओके कोई बात नहीं, आप आंसर करिए। धनकर साहब, ईशा सिंह अगर आंसर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आंसर करिए। अमित हुड्डा ए, राहुल मलिक बी, करिए भाई आंसर। जेम्स एंडरसन बच्चे कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, लो कट कर दिया दोनों, बस अब तो बता दो भाई क्या आंसर आएगा बच्चों। वेरी गुड भाई, 40, 10 और शेयर करो जल्दी से, 50 एक बार जोड़ दो भैया, फिर 1 बजे देखना कि जबरदस्त क्लास फिर होगी आपकी आज। जल्दी से बताओ मेरे को क्या आंसर होगा भाई। तो इसका सी आंसर होगा बच्चों, स्टुअर्ट ब्रांड, ये इसका आंसर होगा भैया, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो भाई राइट आंसर सी होगा। आप गेम खेलो, क्रिकेट खेलो तो ये याद भी तो करो। अब देखो भैया 18वां क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहां पर SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण, मिसाइलों से संबंधित क्वेश्चन आएगा, एयरफोर्स वाले ध्यान से, नेवी वाले ध्यान से देखना भैया। तो भाई इसका ऑप्शन है पहला चांदीपुर, या फिर दूसरा पोखरण, या तीसरा लद्दाख, या फोर्थ विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करिए। अमन सी भाई, 18वें क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी, 18वें क्वेश्चन का आंसर, 18वें का बी पोखरण, गलत कर दिया, बी जिसने किया गलत किया, विकास गौतम ए, राहुल मलिक ए, ईशा सिंह इट्स ओके, ओके भाई, लेकिन इसका आंसर जिसने ए किया है वो बिल्कुल सही किया है, चांदीपुर उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं, और 19th क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र आइकॉन जियो से करमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त किया है। भाई इसको इंपॉर्टेंट जो है आप लगा दो भैया, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल सकता है जो थोड़ा हट करके है। पहला ऑप्शन है एम रविचंद्रन या लिदिता डी एस खान दपेकर या सुकेतु मेहता या सुनील वाई डी वी एस एस, इसके चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। भाई ये जो है थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आप करिए जल्दी से, क्योंकि हो सकता है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको मिले भैया, क्योंकि सारे इजी तो नहीं मिल सकते, कोई ना कोई ऐसा भी मिल सकता है। तो मैंने इजी भी लिया, मैंने जो है आपका एवरेज भी लिया, और जो है भाई सब प्रकार का क्वेश्चन आता बच्चों, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, बताओ क्या आएगा। तो इसका आंसर रहेगा डी, इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, डी आंसर रहेगा, सुनील वाई डी वी एस एस, ये इसका आंसर रहेगा भाई। चलिए भैया टाइम कम है और 20वें क्वेश्चन पर हम मुंह करते हैं अब। तो आप ये बताइए कि भाई वेन इफ्रा ने किस न्यूज एजेंसी को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, भाई जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, 2020 का नाम दिया है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या बिजनेस स्टैंडर्ड्स, क्या इसका आंसर रहेगा भाई, क्या इसका, अरे साहब अपना अपना क्या कह रहे हो ये। चलो भाई जल्दी से, सर आपका फोन ना डटना, अमन यादव क्या बात होगी,
ओके, फोन नंबर है बताना, फोन नंबर आपको जो है भाई मिल जाएगा। आप जो है मतलब इसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो है वो आपका इंफॉर्मेशन होता है उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपका ही फोन नंबर हमारा नंबर है, हमारा कोई नंबर नहीं है, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन उस दिन हमारा नंबर आ जाएगा, उससे पहले कोई नंबर नहीं है, फोन ही नहीं रखता, मैं फोन ही छोड़ दिया भैया, ठीक है ना, कुछ नहीं रखते भाई। अब तो केवल और केवल दिन और रात केवल एक टारगेट दिखाई देता है कि बच्चों का सिलेक्शन होगा और लड्डू आएंगे 101 किलो भैया। तो भाई द हिंदू, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, द हिंदू। या 500 क्वेश्चन चल रहा है क्या भाई साहिल, ये क्वेश्चन नहीं चल रहे तो और क्या चल रहा है, डांस तो चल नहीं रहा। आप कभी ये मान रहे हो कि भाई अब थोड़ी देर में यहां पर शराब बटेगी, फिर जो है सभी पियेंगे और फिर जो डांस होगा, इट्स नॉट पॉसिबल ओवर हेयर, यू नो वेरी वेल अबाउट मी, ठीक है ना, वी ऑल आर पंचुअल एंड डेडिकेटेड, वी नो वेरी वेल व्हाट वी नीड टू डू एट दिस टाइम, सो नेवर एवर से सच काइंड ऑफ थिंग्स हेयर। तो भाई बच्चों जल्दी से कमेंट करिए, तो भाई द हिंदू इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। जल्दी से 21वां क्वेश्चन करिए, 21वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया भैया। पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में क्वेश्चन आएगा, ऐसा सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया बच्चों, तो पहला ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा, दूसरा प्रवीण जाधव, तीसरा रितेश अग्रवाल, फोर्थ है वरुण श्रीधर। जल्दी से कमेंट कर दो, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बीच में 1 सेकंड लाइक करने पे भी लगा दो, देखो मेहनत लगने लग रही है भैया, इतनी गर्मी में मतलब बहुत मेहनत करने लग रहा हूं, पानी भी नहीं पिया सुबह से, ठीक है ना, और आप एक लाइक नहीं कर सकते, केवल और केवल आपका लाइक से ऐसा आभास होगा जैसे मैंने जल को ग्रहण कर लिया, तो एक लाइक कर दो। ओके ईशा सिंह ए, देखो कहां से मतलब जानकारी हासिल की आपने, एका ए तो गलत हो जाएगा भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, वरुण श्रीधर होगा, क्योंकि आज आपने मन मन में क्या नहीं बोलिया, राधे राधे नहीं बोलिया, एक बार मेरे को पता ना चले बोल लो एक बार, ठीक है ना, सभी को जाना नहीं है, फिर आपके मतलब अति प्रिय हमारे सबके सर रोबिन सर आपको इंग्लिश का सेशन करवाएंगे, तो जाने की जरूरत किसी को नहीं है, हम अपना भोजन 5 दिन का एडवांस लेकर के चलते हैं भाई, क्या पता कहां पर जो है हमें लड़ाई लड़ने पड़ जाए। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में लगातार 9वें वर्ष सिरस पर कौन रहा है भैया, भाई जल्दी से, 4 ऑप्शन आपके सामने है भैया। तो भाई टाइम हमें जो है अब रोकने के लिए कह रहा, राधे राधे गुरु जी, ढिल्लो साहब, राधे राधे भाई, राधे राधे, वेरी गुड, ए सबने ए किया भैया, वेरी गुड, विकास गौतम, राधे राधे प्रणाम, वेरी गुड भाई। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, मेसा चूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ए आंसर रहेगा भैया, ए आंसर रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का, ए आंसर रहेगा भैया। चलिए आपकी स्क्रीन पर अब 23वां क्वेश्चन में लेकर के आता हूं, 23वां क्वेश्चन बच्चों, फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट का पहला जत्था भारत के किस वायुसेना अड्डे पर उतरा, भाई क्वेश्चन पेपर में आएगा, यहां पर 4 ऑप्शन है, बठिंडा, अंबाला, सुलूर या बेगमपेट, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा भैया, ए बी सी डी क्या रहेगा भाई, तो जल्दी से कमेंट करो भाई। विकास जांगरा ए, विकास जांगरा ए तो नहीं होगा, लो कट कर दिया, बताओ जल्दी से, रोहित अहलावत ए, अब विकास जांगरा कह रहे हैं सर ए नहीं तो बी को मान लो, यही तो आपकी इंटेलिजेंसी है, लो भाई लगा दो इसको, क्या आएगा भैया, अंबाला, क्योंकि हम पहले चेकआउट करते हैं जैसे सब्जी लेने जाते हैं ना, तो थोड़ा खा करके देखते हैं, अच्छी लगती है तो ले लेते हैं, तो पहले हमने सोचा कि ए पे लग जाए, ए पे नहीं लगेगा तो 2 पे लगा दे, और 2 पे नहीं लगेगा तो फिर 3 और 4, इससे आगे कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है, एक ठीक होगा बाकी गलत होंगे, ठीक है, ऐसे मत अजमाया करो भाई। चलो जल्दी से भाई आज का मतलब है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, कॉपी में नोट कर लो तब मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको,
ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए समझौता किया है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या आएगा, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिलीपींस। और मैंने बताया था एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे बताया था आपको, फिलीपींस के मनीला में बताया था। तो भाई राइट आंसर रहेगा भैया फिलीपींस। राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, फिलीपींस रहेगा, फिलीपींस, फिलीपींस राइट आंसर रहेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का मैं आपके सामने रखता हूं बच्चों, जल्दी से बताइएगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाजवाब आपके करंट अफेयर्स का। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया भैया, किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, जोर से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइए मेरे को कमेंट में आपका जो आंसर दिखना चाहिए। अनुराग धनकर, सी, सी अरुण जेटली, फिरोजशाह कोटला, जो आपका स्टेडियम था उसका नाम क्या किया गया भाई, उसका नाम क्या किया गया भैया, ये जो है मतलब अरुण जेटली। लेकिन मैं कह रहा हूं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, मेरे को ये बताओ भाई, ये बताओ जल्दी से, विकास जांगरा, ए गलत है भाई, क्या आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल, जिसका समाधि स्थल क्या भैया, सदैव अटल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। सब बच्चे को मैं नमस्कार प्रणाम, सबको मतलब शुभकामनाएं देता हूं, आप अपने मिशन में कामयाब हो और लगे रहिए जबरदस्त तरीके से, अब किसी को जाना नहीं है, आपके और हमारे सभी के प्यारे इंग्लिश के सेशन को लेकर के आएंगे धमाकेदार वे से, ठीक है ना भाई, धुम्मा उठा देंगे। हमारे रोबिन सर अब आपके बीच में लेकर के आएंगे इंग्लिश के सेशन को। सब बच्चों को अगेन नमस्कार करता हूं और फिर जुड़ेंगे आपसे, फिर से मैं 25 प्लस क्वेश्चन आपके बीच में रखूंगा। आज के लिए सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। अगर जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे भैया, जिसने कमेंट नहीं किया वो कमेंट करे। सबको नमस्ते गुरुजी, नमस्कार, आप सबको नमस्ते, ऑल द बेस्ट, इट्स इनफ फॉर टुडे। प्रणाम सर जी, विकास गौतम प्रणाम भाई, इट्स इनफ भैया, इट्स इनफ।